जिस इंटरव्यू के लिए बैठे हो ना अगर उस ऑर्गेनाइजेशन या उस जॉब uh, रोल के लिए तुम्हारा तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है इफ आई डोंट फाइंड दैट एक्साइटमेंट दैट इन यू फॉर दैट जॉब रोल और फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन आई मे नॉट बी वेरी ईगर टू हैव यू ऑन बोर्ड अच्छा और एक चीज देख लो कैंडिडेट्स का कमी नहीं है है ना अगर किसी कॉलेज पे वो लोग आते हैं तो अगर उनको बीस पच्चीस तीस ऐसे कैंडिडेट्स उठाने उस कॉलेज में से स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास है पंद्रह सौ बारह सौ पंद्रह सौ स्टूडेंट होते हैं फिर वो लोग उसको एज जब एलिमिनेशन प्रोसेस पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएंगे उसमें से कुछ छांटेंगे फिर जीडी करवाएंगे उसमें से कुछ छांटेंगे फिर जाके कुछ आएंगे जिनको कि वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे फिर उसमें से कुछ छांट के बीस तीस को लेके जाएंगे तो स्टूडेंट कैंडिडेट्स की तो कमी नहीं है तो इसीलिए वो लोग क्यों ले अगर किसी को कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम नहीं यस, yes, मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं फेस किया हूं मैंने इंटरव्यू में के, के दौरान जिनको कि मालूम नहीं है किस कंपनी के लिए वो लोग बैठे हुए हैं पीआई के लिए जब मैं पीआई लेता था जब uh, उस समय जब लेता था। बहुत सारे को जिनको नहीं मालूम होता था कि वो लोग क्यों आए हैं कि, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए -in टाइप लेजर उजर पहनकर या तो प्रॉपरली ड्रेस होकर फाइल उठा के रिज्यूमे उठा के आ गए तो एज ए तो जो एचआर सामने बैठे हुए हैं वो देखना चाहते हैं कि ये बच्चा जिस जॉब के लिए वो अप्लाई किया है उसके बारे में उसको आइडिया है तो उसको करना क्या है प्रीवियस एक्सपीरियंस uh, उस रोल के लिए उसका हो ना हो बट उसको रोल के बारे में क्लियरली आइडिया है कि नहीं यानी जब ऑर्गेनाइजेशन पहुंचेगा उसको वहां जाके क्या करना है क्या करना पड़ेगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम ये कम से कम उसको क्लियरली मालूम हो एंड सेकंड है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंपनी के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए क्यों दैट शोज How eager you are uh, about joining that uh, organization. And if you say, uh, if you do not have much of an idea, uh, and, and someone asks you, why do you want to join our organization? Yeh, ek PI question hai, why do you want to join our organization? Or what is it that interests you in our company? सो so देन बच्चे क्या बोलते हैं सर इट्स ए बिग कंपनी इट्स अ ग्रेट कंपनी इट इज मल्टीनेशनल कंपनी और इट इज इट इज गॉट प्रेजेंस इन अक्रॉस दर्ल्ड सर आईव हॉर्ड इट इज वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडलीग आंसर्स कंप्लीटली वेग आंसर्स मालूम ही नहीं कि बोलना है क्या है सो इसलिए फाइंड आउट अबाउट द कंपनी वेबसाइट्स हैं आजकल तो इंटरनेट है वेबसाइट्स हैं बहुत सारे सोर्सेस है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ द कंपनी एटलीस्ट सिक्स सेवन एट पॉइंट अबाउट द कंपनी उसमें प्रिपेयर हो ठीक है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या चीज यू शुड प्रिपेयर एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न